Hello dear friends, welcome to our channel Intensive Study. My name is Soni Kumari. We have been doing maths of class 7th of NCERT. हम class 7th की NCERT की maths करते हुए आ रहे हैं. हम जिस topic को continue कर रहे हैं वो है fractions and decimals. Fractions and decimals जिसे हिंदी में क्या कहते हैं? भिन्न एवं दशमलव. So exercise 2.2 का क्वेश्चन नंबर सेकंड आज हम इस वीडियो में सॉल्व करेंगे. सो क्वेश्चन सेकंड इज टेल विच ऑफ देम शो, यानी हमें बताइए कि इनमें से ये जो हमें जो इक्वेशंस दी हुई हैं ये कौन से ड्राइंग्स जो हैं वो हमें शो करते हैं. तो सबसे पहले हमें इन इक्वेशंस को, ये जो फ्रैक्शंस के इक्वेशंस हमें दिए हुए हैं, इन इक्वेशंस को हमें समझना है. सबसे पहले 3 × 1/5 = 3/5, इसको देखिए इसका क्या मतलब है. देखिए फ्रैक्शन में क्या होता है कि फ्रैक्शन में अगर हमें इस तरीके से 3 × 1/5 लिखा हुआ मिल जाए तो इसका मतलब है कि ये जो 3 है इसके नीचे हमें अपने आप से अज्यूम कर लेना है 1, इसके नीचे 1 होता है. सो इट इज 3 × 1 = 3 / 5 × 1 = 5, सो इट इज 3/5, इसीलिए यहाँ पे ये 3/5 लिखा हुआ है. सिमिलरली 2 × 1/3 का मतलब क्या है? 2 × 1/3 का मतलब है कि ये 2 के नीचे भी 1 है, 2/1, ठीक है. सो 2 × 1 = 2, 3 × 1 = 3, विच इज इक्वल टू 2/3. अब आते हैं थर्ड पार्ट पे. यहाँ पे लिखा हुआ है 3 × 3/4 इज इक्वल टू 2 × 1/4. तो ये कैसे आया? इसका मतलब सबसे पहले समझते हैं 3 × 3/4 का क्या मतलब है. ये जो 3 है जैसे मैंने बताया इसके नीचे 1 होता है. सो 3 × 3 क्या हो गया? 9 हो गया. 4 × 1 क्या हो गया? 4. सो 9/4 ये क्या है? ये एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, विषम भिन्न. इसे हम मिक्स्ड फ्रैक्शन में यानी मिश्रित भिन्न में चेंज करेंगे. कैसे? डिवाइड करके. तो मैं इस 4 से 9 को डिवाइड करूंगी. 4 × 2 = 8, 9 − 8 = 1. तो अब हमारे पास आंसर क्या आया? ये जो 2 है ये हमारा होल नंबर रहेगा और ये जो 1 है ये अपॉन के ऊपर होगा और ये जो 4 है ये अपॉन के नीचे रहेगा. 2 × 1/4 = 2 × 1/4 और इसी चीज को हमें यहाँ पर लिख के दिया हुआ है 2 × 1/4. 3 × 3/4 किसके इक्वल है? 2 × 1/4 के इक्वल है. वो इस तरीके से है जो मैंने आपको बता दिया. तो अब हमें ये जो ड्रॉइंग्स हैं, हमें बताना है कि ये जो हमें इक्वेशंस दिए हुए हैं ये कौन सी ड्रॉइंग शो करती है. देखिए ये जो ड्रॉइंग है ये टोटल पार्ट्स इस सर्कल में कितने हैं? टोटल है 3, ओके. और उसमें से शेडेड पार्ट कितना है? 1. सो इट इज 1/3. सिमिलरली इट इज ऑल्सो 1/3 और यहाँ पे इक्वल का साइन है, इक्वल का साइन है और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? 2/3. तो देखिए इसमें क्या है, ये जो 1/3 है इनके बीच में एडिशन हो रहा है, ठीक है. तो ये जो 1/3 है इसके बीच में प्लस का साइन है, ठीक है. 1/3 किसके इक्वल है? 2/3 के इक्वल है. जब डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो उसे एक ही बार लिखते हैं और न्यूमरेटर को ऐड कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 2/3. अब देखिए ये जो 1/3 है मैं इसे ऐसे भी लिख सकती हूँ, 2 × 1/3. ये 1/3 टू टाइम्स है तो मैं इसे 2 × 1/3 विच इज इक्वल टू 2/3 भी लिख सकती हूँ. तो ये हमें यहाँ पर सेकंड पार्ट शो कर रहा है. तो ए का आंसर क्या होगा? फिगर ए हमें सेकंड पार्ट शो कर रहा है, तो ए का आंसर है सेकंड. ए ड्राइंग जो है वो हमें 2 × 1/3 = 2/3 शो कर रही है. अब आते हैं फिगर बी पे. देखिए ये जो ड्राइंग बी है सबसे पहले क्या है, ये 1, 2, 3 × 4 है, ये भी फिगर 3/4 है और ये भी 3/4 है. 4 में से 3 पार्ट्स शेडेड हैं. इक्वल किसके है ये? देखिए 1, 2, 3, 4 यहाँ पर 4 में से 4 पार्ट शेडेड हैं. जब 4 में से 4 पार्ट शेडेड हो तो ये कैंसिल होके क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, ठीक है. इसी तरीके से 1, 2, 3, 4 ये भी 4/4 है, टोटल पार्ट्स भी 4 हैं और उसमें से शेडेड पार्ट भी 4 हैं, तो ये भी क्या है? 4/4 है. ये भी 4 × 1 = 4 कैंसिल होके 1 हो जाएगा.
इसे हम एक पूरा होल कंसिडर करेंगे, तो हमारे पास दो होल नंबर्स हैं, तो ये 1+1 क्या हो जाएगा, 1+1 हो जाएगा 2, और ये क्या है, ये 1 part shaded है आउट ऑफ 4 parts, तो ये क्या हो जाएगा 1/4, तो ये है 2 1/4, फाइनली क्या है ये 2 1/4। ये जो 3/4 है ये हमारे पास कितने टाइम्स है, 3 times, तो मैं इसे 3 × 3/4 भी लिख सकती हूँ, जो कि किसके इक्वल हो जाएगा, 3 3s are 9 upon 4 1s are 4, यहाँ पर 1 अपनी तरफ से आपको अज्यूम करना है, 4 1s are 4। 9 upon 4 क्या होता है, जब हम 4 को 9 से डिवाइड करते हैं तो 4 2s are 8 हो जाता है, तो 9 में से 8 माइनस होगा तो 1 आएगा, तो आंसर क्या होगा, 2 1/4, 2 1/4, जो कि हमें ये फिगर भी शो कर रहा है। तो ये जो ड्राइंग बी है ये हमें ये थर्ड वाला पार्ट जो है वो शो कर रहा है, आप देख सकते हैं 3 × 3/4 विच इज इक्वल टू 2 1/4, तो ये जो ड्राइंग बी है ये हमें थर्ड इक्वेशन शो कर रहा है। अब आते हैं फिगर सी पे, ये देखिए यहाँ पर कितने पार्ट्स हैं, टोटल 1 2 3 4 5 टोटल पार्ट्स हैं 5, जिसमें से शेडेड पार्ट कितना है 1, तो ये है 1/5। सिमिलरली ये भी 1/5 है, लाइकवाइज ये भी 1/5 है, जो कि इक्वल है 1 2 3 3/5 के। देखिए ये जो 1/5 है ये 3 times है, तो मैं इसे 3 × 1/5 भी लिख सकती हूँ, जो कि इक्वल हो जाएगा 3/5 के, जो कि हमें ये ड्रॉइंग सी जो है शो कर रहा है। तो ये इक्वेशन कहाँ पर लिखी हुई है, ये फर्स्ट पार्ट में लिखी हुई है। सो फिगर सी जो है, जो ड्रॉइंग सी है, वो हमें फर्स्ट इक्वेशन 3 × 1/5 विच इज इक्वल टू 3/5 शो कर रहा है। सो डियर लर्नर्स, इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज हिट द लाइक बटन, शेयर दिस वीडियो, डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकॉन। एंड यू कैन टेल अस बाय पुटिंग योर कॉमेंट्स इन द कॉमेंट सेक्शन, हाउ डिड यू फाइंड दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।